आई थिंक ये चैनल ने क्रिएटिव कॉल लिया. आई थिंक जानबूझ के ये डिसएडवांटेज नहीं मैं बोलूँगी था. आई थिंक हो सकता है ये एडवांटेज के लिए भी किया हो कि इनको शो के बारे में ऑलरेडी पता हो फिर डालें. पर आई थिंक डिसएडवांटेज ये हो गया कि जब मैं गई वहाँ पे एक बहुत कंफ्यूजिंग लव ट्रायंगल चल रहा था जिससे पूरा घर ओवरशैडो हो गया. तो आई थिंक कुड हैव बीन एडवांटेज एज वेल, लेकिन वो डिसएडवांटेज बन गया बाद में जाना. बट दिस वाज द चैनल्स क्रिएटिव कॉल. सेकंड क्वेश्चन ये जानना चाहेंगे, आपने कहा था घर में जाते ही मनोवर के टीयर्स फेक है, फिर अभिषेक की फाइट जो लव एंगल को लेकर हो रही थी आपको वो भी फेक लगा था, और कौन कौन आपको फेक लग रहा था, और अगर आप इतने रियल थे तो आप इतने टाइम स्टे क्यों नहीं कर पाए? आई थिंक मुझे मनारा बहुत फेक लग रही है. यू नो बहुत उनकी ओवर एक्टिंग चल रही है ऐसी ऐसी, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मैं तो बहुत इनोसेंट हूँ. मोलेस्टेशन जैसे वर्ड यूज़ कर सकती हैं वो और खोल सकती हैं कि मुझे मतलब ही नहीं पता था, कॉन्टेक्स्ट नहीं पता था, तो वो तो बहुत ही स्ट्यूपिड है और बहुत फेक है. आई थिंक मैं जेन्युइन होके नहीं रह पाई क्योंकि एक तो मैं पंगा ले रही थी लोगों से जिनकी बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, और क्या है ना इस बार की TRPs थोड़े लो हैं, तो इवन अगर लोग हैं वहाँ पर जिनकी बहुत बाहर फ़ैन फॉलोइंग है वो सो भी रहे हैं, कुछ नहीं भी कर रहे हैं, तो उनको चैनल वालों को रखना पड़ेगा उनको, क्योंकि उन्हीं के फैंस देख रहे हैं, बाकी और तो कोई देख नहीं रहा है शो भी. तो मैं जेन्युइन थी, मैं हिला रही थी घर को. जैसे मुनव्वर जैसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर जिनसे लोग पंगा नहीं लेना चाह रहे हैं उनको मैं कॉल आउट करने स्टार्ट कर रही थी स्टार्टिंग से. तो आई थिंक मैं जेन्युइन खेल रही थी इसलिए मेरे पर अटैक भी हुआ. तो वो अनफॉर्चुनेट है कि मैं निकल गई, पर अगर मैं रहती शो को मैं और उसको हिलाती. जैसे दम का जो रूम था, मेरे आने से पहले सभी सो रहे थे, एटलीस्ट कोई तो जागा, मैंने किसी एक बंदे को तो जगाया और मेरी वजह से दम का कमरा हिला. मुनव्वर ने कहा कि दम के रूम में 2 हफ्ते बाद फाइनली एक तो कोई दम वाला पर्सन आया है. तो और रहती तो और हिलाती, पर चलिए ऐसा हो गया, डिसअपॉइंटेड था. आई थिंक मेरे गेम में कमी नहीं थी. सलमान सर ने भी ये बोला कि आप जब आई वो ओवर शैडो हो गया वो लव कन्फ्यूजन में, तो आई थिंक मेरे गेम में कमी नहीं थी, टाइमिंग गलत थी. आई थिंक ये हो सकता था कि मैं स्टार्टिंग से ही थोड़ा और कॉल आउट कर सकती थी जो बड़े प्लेयर्स हैं जिनके खिलाफ लोग जाना नहीं चाह रहे हैं अभी इतनी जल्दी, उनके खिलाफ मैं थोड़ा और जा सकती थी स्टार्टिंग से ही. पर मैं ये टाइम लगाई थी कि मेरे पास थोड़ा और एम्यूनेशन हो, थोड़ा और कारण हो, सॉलिड एक केस बने, फिर आप मुकदमा करें, तो मैं उसका वेट कर रही थी. अभिषेक और खानजादे के बीच में एक नई लव स्टोरी घर में शुरू हो रही है, आपको कितना रियल और कितना फेक लग रहा है इनकी लव स्टोरी? ये खानजादे थोड़ी मुझे लगता है अटेंशन सीकर हैं और कभी कभी भी स्टेबल नहीं लगती हैं मुझे. आई डोंट वांट टू कमेंट इन अ डिसरिस्पेक्टफुल वे, पर वो थोड़ी स्टेबल नहीं है, कुछ भी बोल देती हैं. जैसे पहले अभिषेक के, और ये चल क्या रहा है, मतलब पहले बोल दिया अभिषेक ने मुझे फिजिकली असॉल्ट किया, उनके ऊपर आरोप इतना सीरियस होता है ये आरोप कि उन्होंने मुझे फिजिकली असॉल्ट किया जबकि वो उसके बेड पे आए भी नहीं, तो अभिषेक कैसे उसके साथ दोस्ती कर सकते हैं? फिर अभी एक टास्क हुआ था जिसमें उन्होंने हैम्पर के चक्कर में झूठ बोल दिया कि आई लव हिम, एंड अभिषेक ने इसलिए बोल दिया ये झूठ बोल रही है. तो ये चल क्या रहा है? थिंक अभिषेक क्या कर रहे हैं, वो मेरे से भी बात कर रहे थे, ही वॉन्ट्स टू गेट आउट ऑफ द ईशाज सिचुएशन, तो वो दोस्ती बढ़ा रहे हैं किसी और के साथ, या मेरे साथ या खानजादी के साथ. एंड आई थिंक मेरे साथ उनका जेन्युइन कनेक्शन बन रहा था. खानजादी तो आई थिंक इट स्टार्टेड ऑफ एज अ जोक एंड उसको लोग सीरियसली ले रहे हैं, पर खानजादी को आप सीरियसली ले नहीं सकते, शी इज़ अनप्रेडिक्टेबल एंड शी इज़ अनस्टेबल. आई थिंक अभिषेक से अगर बनाती तो जेन्युइन थोड़ा होना चाहिए, एकदम से मिले हैं आपको सेटल होने में टाइम लगता है, हमारा बन रहा था. आई थिंक हमारी बातचीत एज फ्रेंडशिप टाइप, एक लाइट फ्लोटेशन टाइप शुरू हुआ था, लेकिन एक हफ्ते में नहीं हो सकता, आप किसी को जानते नहीं हो, एक स्ट्रेंजर को मिले हो तो फिर वो बहुत फेक होता अगर हम पर्पजली उसको करते. फीलिंग्स होने में, कोई भी फ्रेंडशिप होने में टाइम लगता है, किसी भी चीज़ में टाइम लगता है, तो आई थिंक वो टाइम नहीं था. आज पे जो लिखा हुआ था, यस, वो कहीं ना कहीं एक माइनस पॉइंट रहा. आई थिंक यू नो इस घर में रूल्स ब्रेक होते ही जा रहे हैं, तो अगर किसी और को कोई पॉइंट आउट नहीं करे, जैसे तहलका तो उठा उठा के चीज़ें फेंक रहे हैं, विच इज़ द मेन बेसिक वायलेंस वाला रूल, तो मैंने जो इमोशनल अपनी स्टेट में करा वो आई डोंट यू नो थिंक इज अ दैट मच ऑफ अ डिसएडवांटेज. रूल तो सभी ब्रेक कर रहे हैं, चोरी करके खाना खा रहे हैं,
एक दूसरे से यू नो बहुत डिसरिस्पेक्टफुल में बात कर रहे हैं, फिजिकल असॉल्ट, झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं. तो आई थिंक दैट इज़ नॉट सच अ बिग माइनस पॉइंट. बट हाँ, मुझे थोड़ा सा ओवर रिएक्शन उस वक्त हुआ, क्योंकि कितनी ज़्यादा हमारी बॉन्डिंग थी मेरी और अनुराग की, और उनकी तरफ से जब बैक स्टैब आया, सो आई वॉज वेरी इमोशनली डिस्टर्ब. आई वॉज लाइक, इतना क्लोज कोई कौन ऐसा कर सकता है? बट आई डोंट थिंक कि वही एक माइनस पॉइंट है. डिसअपॉइंटेड हूँ मैं काफ़ी, क्योंकि मुझे लगता है मैं एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर हूँ. एटलीस्ट मैं कॉल आउट कर रही हूँ चीज़ों, सो नहीं रही हूँ, सिर्फ खाना बनाने नहीं आई हूँ. ऐसा भी नहीं है कि मैं सिर्फ एक प्लेयर है जिनको इंग्लिश आती है, हिंदी नहीं आती, किसी से बात ही नहीं कर पाते. तो मेरे अलावा इतने सारे लोग हैं वहाँ पर जो सो रहे हैं या सिर्फ खाना बना रहे हैं या कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं. तो मेरा निकलना, मतलब आई थिंक इट्स अ लॉस फॉर द शो. पांच लोग बिल्कुल ही निकलना चाहिए था, अरुण, सनी, नावीद, जिग्ना मैम, रिंकू मैम, क्योंकि उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है घर में. क्या आपको लगता है, आपने अभिषेक का नाम लिया, अभिषेक के नाम प्रोमो में भी देखने को मिला था, जहाँ पे जब ब्रेकडाउन चल रहा था अभिषेक का, जिस मोमेंट पे मुनावर की तरफ से कमेंट आया था कि अगले दिन घर में मनस्वी आएगी, ऐसा कमेंट आया था, तो क्या आपको लग रहा है कि नहीं, अभिषेक कुमार जो है वो घर में गेम में आगे बढ़ने के लिए किसी पार्टनर का सहारा देख रहा है? बिकॉज जब उस मोमेंट पे कहीं ना कहीं आपके साथ भी एक बॉन्डिंग दिखाई गई थी उसको, और फिर उसके बाद ही उनका खानजादी के साथ पूरा का पूरा सीन स्टार्ट हुआ. आई थिंक वो गेम में आगे बढ़ने के लिए नहीं कर रहे हैं इंटेंशनली, आई थिंक वो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कर रहे हैं. बिकॉज ये ईशा उनको बहुत कंफ्यूज कर रही है, तो उनसे उस इमोशन से बाहर निकलने के लिए किसी के साथ फ्रेंडशिप ट्राई कर रहे हैं, ताकि थोड़ा दिल हल्का हो, बात कुछ डिफरेंट हो. तो आई थिंक दैट्स द रीजन, नॉट जस्ट गेम, आई थिंक उनका गेम खुद से ही बहुत स्ट्रांग है. इसके अलावा रूल ब्रेक की बात करें तो फिर अभिषेक और सावंत की जो लड़ाई होगी, कहीं ना कहीं वो नेक्स्ट लेवल तक चली गई, गाली गलौज तक चली, उस पे क्या टेक है? आई थिंक वो एक ही बार गई थी, मतलब लोग तो शायद एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि ज़्यादा होगी, फिर वो गाली के बाद उन्होंने मना भी लिया, अरे यार कोई बात नहीं, थैंक यू ब्रदर. ये क्या होता है कि एकदम से मतलब आए और उसके बाद दो मिनट बाद फ्रेंड्स बन गए और फिर दोनों मिलके ईशा की बिचिंग कर रहे हैं? ये तो बहुत स्टूपिडिटी है, मतलब ये क्या चल रहा है? यस, जो है वो काफी कुछ अंकिता को कह देते हैं, सुना देते हैं, उनको समझते नहीं है, दोनों की बॉन्डिंग इतनी अच्छी नहीं है. आपको घर में रह के क्या, मुझे लग रहा है थोड़ा सेटअप फेक प्लानिंग करके आए हैं. आई थिंक कल भी पर्दाफाश हुआ कि नील और विक्की भी बात करके आए हैं, प्लानिंग करके आए हैं. तो ये दो दिल वाले कमरे में तो आई थिंक मुझे ये फेक स्टोरी लाइन्स लग रही हैं, सिर्फ स्क्रिप्टेड लग रहा है कि सोच के आए थे कि ऐसा करेंगे, पति पत्नी के बीच में दरार, फिर वापस, फिर दो कपल्स के बीच में दरार. तो ये बहुत टीवी सीरियल वाले ना स्क्रिप्ट करके लेके आए हैं. यस, उन्होंने प्लॉटिंग एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि बात हुई, बट इट गोज कॉमन सेंस की बात है, अगर बात हुई है तो उससे ज़्यादा ही बात हुई है. इस सीजन का मास्टरमाइंड कौन लग रहा है आपको? मुन्ना पर. थैंक यू. कोई पूछ रहा था यहाँ पे, कोई एक एक क्वेश्चन कोई पूछ रहा था वो. क्या आपको लगता है कि इन दोनों की जो कंट्रोवर्सी थी, चाहे वो अभिषेक कुमार हो, समर्थ हो, फिर ईशा मात्रे, इसके बीच में आपका गेम निखर नहीं पाया? यस, इस वजह से एब्सोल्युटली आप बिल्कुल सच बोल रहे हैं. जब मेरा एलिमिनेशन हुआ था, सलमान सर ने भी एग्जैक्टली यही वर्ड्स बोले कि मनस्वी आप बहुत अच्छा करी थी, आप बहुत अच्छी प्लेयर है, एंड अगर आप स्टार्टिंग में जाती या किसी भी और सर्कमस्टांस में जाती तो आप बहुत अच्छा खेलती, वो अनफॉर्चुनेटली आप ये लव कन्फ्यूजन का शिकार हो गई और पूरा घर उस हफ्ते ओवर शैडो हो गया. तो आप बिल्कुल एक्यूरेट बोल रहे हैं, यही हुआ. मुनव्वर, मुनव्वर, अभिषेक, विक्की, खानजादी, अंकिता. तो अगर दोबारा मौका मिले, बाई चांस, अगर आपको घर में जाने का, क्या चीज़ इंप्रूव करके जाना चाहेंगे घर के अंदर? आई थिंक मैं वेट कर रही थी कि थोड़ा मेरे पास एमिनेशन हो तो मैं ऐसे स्ट्रांग प्लेयर्स को अटैक करूं, चाहे मुनव्वर हो, चाहे विक्की हो, चाहे अंकिता हो. तो मैं सोची थी थोड़े मेरे पास रीजंस और होने चाहिए कि अगर मैं बेफालतू में अटैक करने लग जाऊं तो वैलिड नहीं लगेगा. तो थोड़ा सा एक बिल्डअप होना चाहिए, एंड अगर मैं बेफालतू में स्टार्टिंग में झगड़ा करने लग जाऊं तो जो एक्चुअल झगड़े होंगे ना वो फिर वैलिड नहीं माने जाएंगे, फिर तो ऐसा कहते तो झगड़ा ही करने आई है. तो मैं सही चीज़ों में झगड़ा करना चाह रही थी. तो आई थिंक अब क्या होगा, अगर मैं दोबारा गई तो मैं जाते ही अटैक करूंगी सबसे स्ट्रांगेस्ट प्लेयर्स को, जो मुझे लग रहा है मैनिपुलेटिव है. जिनके सबसे ज़्यादा फैन फॉलोइंग है बाहर, वो है सनी, अरुण और अनुराग. ये सबसे वीकेस्ट हैं, इनको शो में इसलिए रखा है क्योंकि बाकी तो लोग ऑडियंस शो देख नहीं रही है, टीआरपीज़ बहुत कम है इस बार, और उनकी जो इनबिल्ट फैन फॉलोइंग है
उन्हीं के लिए चल रहा है शो, उन्हीं के वजह से चल रहा है ताकि वो देखें अपने कंटेस्टेंट्स को, पर ये डिज़र्व नहीं करते शो में रहना। दिन भर ये सोते रहते हैं, 6 दिन जो मैं वहाँ पे थी, दिन भर ये बिस्तर के से बाहर नहीं निकले, बिस्तर में ही थे, खाना भी बिस्तर में इन्होंने खाया, तो ये बिल्कुल डिज़र्व नहीं करते शो में रहना। ये सिर्फ इन वो फैन फॉलोइंग के बेसिस पे शो में है, क्योंकि शो को ज़रूरत है कि इनके फैंस देखें शो। क्योंकि फैन फॉलोइंग है ना उनकी, देखेंगे इसलिए। सी कई तो जेन्युइन है, कई जेन्युइन गेम खेल रहे हैं और कई जेन्युइन में स्ट्रांग भी हैं, लेकिन कई लोग तो बिल्कुल मतलब शो में कंट्रीब्यूशन क्या है आपका, दिख ही नहीं रहे हो आप, मतलब उनके फैंस भी ढूंढ रहे होंगे कहाँ आए कुछ देखें उनके बारे में, तो वो तो बिल्कुल डिजर्व नहीं करते, बट ऐसा होता है। Thank you.